ओके तो ओके आज हम लोग देखिए जानने वाले और देखने वाले हैं कि अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कैसे यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसी बोलते एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग करेंगे अभी, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले इसमें समझना हमको क्या कि दो तीन चीजें समझना है, उसके बाद ये सवाल सब इजी हो जाते हैं, ठीक है। वो कैसे देखिए, आपको एक कोई पॉइंट की बात होता है, हॉरिजॉन्टल की बात होता है, इसमें आपको दो चीज मिलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, ठीक है, एलिवेशन ये ऐसे होगा, ठीक है, ऊपर की ओर होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जस्ट ऊपर की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात जब भी आएगा, डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे जस्ट नीचे की बात होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होगा, ठीक। ये बात अगर आपको समझ में आ गया, उसके बाद जहां पर अगर कोई पैरेलल लाइन बन रहा है तो ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा वन होगा, उसके बाद यहां पर अगर कोई बन रहा है तो ये अगर थीटा टू ये भी थीटा टू होगा। ये सब बात आपको पता होगा पहले से, फिर भी आप समझ लीजिए इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। हाइट वाइट निकालने के लिए ज्यादातर हम लोग टैन थीटा यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज डिपेंड करता है कि कैसा ट्रिगोनोमेट्री वहां पे रेशियो लगने वाला है, उसको हम देख लेंगे, टैन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन जब भी आता है कि कोई टाइम के अनुसार बढ़ रहा है ना, यहाँ से मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आने में एक बॉडी को 5 मिनट लगा है, ठीक है, तो आप 5 मिनट ही रख दीजिएगा, उसको डिस्टेंस मत बनाइएगा, है ना। 5 मीटर में डिस्टेंस कितना हो, और 5 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर किया, कितने किलोमीटर हुआ, वो सब मत कीजिए। आप डायरेक्ट टाइम को पुट कीजिए, आपका जो आंसर अगर टाइम में ही आएगा और डायरेक्ट टाइम मतलब वो टाइम ही पूछेगा, ठीक है। इस टाइप से सवाल कुछ आएगा भी आपको, देखिए बताएंगे तो समझ में आएगा कैसे करना। तो जो भी गिवन रहेगा क्वांटिटी उसको हम देखेंगे पहले, है ना, समझने की कोशिश करेंगे क्या दिया हुआ है। बाकी ये प्रैक्टिस का चीज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक ही करके, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का जो ये ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का जो या ट्रिगोनोमेट्री पूरा जो एप्लीकेशन है इसमें, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली आपको ये ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सम पर्टिकुलर एंगल जो होगा उसी का यूज होगा इसमें ना, तो उनका यूज थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है इसमें होगा। इसमें आपको थोड़ा सा टावर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, और किस टाइप से आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि फिगर जो गिवन है आपके क्वेश्चन में वो आपको विजुअलाइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आपको हो पा रहा है विजुअलाइज तो ठीक है, आप इजी वे में बना सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने के फिगर बनाने के लिए सोचना पड़ेगा कैसे हम इसका फिगर बना दे ताकि ये मेरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, कुछ सवाल लेके आगे फिर इसको ट्राई करेंगे कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करें, एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का हाइट दे रखा है, ठीक है, 10 मीटर है, ठीक है, बिल्डिंग है, ओके, यहाँ पे एक टावर है, एक टावर है, दोनों का सेम बेस पे है ना, टावर है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ठीक है, बिल्डिंग से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है, ठीक है, ऐसा दे रखा है, ओके, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसके बेस का है ना, ये इसके बेस का डिप्रेशन, ठीक है, ये जो आपको होगा ये मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक है, बेस का एलिवेशन जो है 45 डिग्री है, ठीक है। दस तक ऐसा सवाल एक दे रहे हैं समझने के लिए आपको कैसे बनाना। तो पूछा गया कि ये टावर जो है इसका हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ टावर जो ये क्या निकलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे, कोशिश करते इसको ट्राई करने का, ठीक है। ये अगर 10 है, ठीक है, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 45, तो ये भी बनेगा 45, ठीक है। ये दोनों क्या है आपको मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पैरेलल हो जाएगा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा,
तो ये अगर टेन है यहाँ से, यहाँ इसको मान लीजिए पहले ये इस डिस्टेंस को एक्स मान लें, ठीक है, यहाँ ए बी सी डी पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पे ई, ठीक। तो हम कोशिश करेंगे निकालने का, सबसे पहले बी सी निकाल लेते हैं या कुछ और भी निकाल लेते हैं ताकि मेरा ये सवाल इजी वे में सॉल्व हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये अगर टेन है तो ये भी क्या होगा, टेन होगा, यहाँ से आपका डिस्टेंस, तो पूरा डिस्टेंस एक्स प्लस टेन हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये भी अगर, अच्छा देखिए यहाँ पे बी प्लस सी की बात करें, टेन फोर्टी फाइव लगाते हैं यहाँ पे, फोर्टी फाइव कौन सा एंगल में, बी सी ई में लगा रहे हैं, एंगल सी सी ई में लगा रहे हैं, टेन फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन ये, अब परपेंडिकुलर अपन बेस, तो मतलब ये मेरे पास यहाँ से आगे डिस्टेंस एक्स प्लस टेन है, ठीक है, एक्स प्लस टेन, क्यों एक्स प्लस टेन हुआ, देखिए यहाँ से टेन, ये भी टेन होगा, ठीक है, यहाँ से भी टेन होगा, और ये एक्स है, एक्स प्लस टेन हो गया यहाँ से। ओके, और नीचे में क्या होगा, बेस, बेस कितना है, ए डी या बी सी, दिस इज बेस, दिस इज बेस, टेन फोर्टी फाइव लोगों को पता है बेस ये वन होता है, ठीक है, तो बी सी इक्वल टू कितना होगा आपको, एक्स प्लस टेन हो जाएगा। ओके, एक्स प्लस टेन मीटर मेरे पास आ गया, बी सी का वैल्यू वही आपको आ गया एक्स प्लस टेन। अब आप क्या करेंगे, इस ट्रेंगल में लगाते हैं टेन थर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, इन ट्रेंगल ए डी ई में टेन थर्टी क्या होगा, सी बाई बी मतलब एक्स बाई, ये पूरा ए डी, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, ये एक्स प्लस टेन के बराबर होगा। ओके, आपको पता है टेन थर्टी क्या होता है, वन बाय रूट थ्री, तो वन बाय रूट थ्री इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस टेन, इसको सॉल्व करेंगे कोस मल्टीप्लाई करके, तो x प्लस टेन होगा आपको रूट थ्री एक्स के बराबर, ठीक है। अब इसको आगे कहीं सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ हो जाए तो ठीक है, इसको उधर भेजेंगे हम, तो यहाँ क्या होगा, टेन इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस एक्स, तो उधर में से एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा मेरे पास, रूट थ्री माइनस वन दस इक्वल टू टेन, एक्स का जो वैल्यू होगा आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रूट थ्री इधर जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा टेन अपन रूट थ्री माइनस वन, बाकी आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, डिस्टेंस हमारा जो भी करना कर सकते हैं। तो अब ये तो एक्स का वैल्यू आया मेरे पास, लेकिन पूरा हमको चाहिए ये टावर का हाइट, तो टावर का हाइट क्या होगा, टावर का हाइट एक्स प्लस टेन है, ये पूरा एक्स प्लस टेन है, तो हमको निकालना है टावर का हाइट, तो हाइट ऑफ टावर होगा इक्वल टू एक्स प्लस टेन, एक्स का वैल्यू है मेरे पास टेन बाय रूट थ्री माइनस वन प्लस टेन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आने वाला है वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप इस तरह से सवाल बनाते हैं कुछ आपको आइडिया आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, फिर देखिए उसको कैसे ट्राई करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन लेते, चलिए मान लेते हैं ये टावर है, ठीक है, जो किसी रोड से, रोड के साइड में, ठीक है, इस टाइप से टावर है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कार आ रहा है यहाँ से, इस डायरेक्शन चल रहा है, अगर यहाँ से देखा गया इस कार को इसके टॉप से, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था बन रहा था यहाँ पे, ये एंगल बनेगा एंगल डिप्रेशन, ये बन रहा था 30 डिग्री, ठीक है। तो उस जगह बाद फिर देखा गया कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसको मिला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आकर जो ये डिस्टेंस मिला ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, मतलब ये बने 60, ये 30 था पहले, 30 था बाद में 60 हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये जो डिस्टेंस मूव करा, ये 50 मीटर का डिस्टेंस मूव करा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाँ, तो आपको पूछना है, आपको पूछा जाएगा कि टावर का हाइट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, ये आपको बताना है, बता सकते हैं आप, इजी है। आप यहाँ से ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, ये डी, तो आपको क्या करना है, आप लगाना है यहाँ से टैन थर्टी लगाइए,
इसको मान लीजिए यहाँ से x, कुछ नहीं माइनस x मान लीजिए, ये पूरा डिस्टेंस BD हो जाएगा x प्लस 50 है ना, तो BD यहाँ पे मिलेगा x प्लस 50। tan 30 क्या होगा यहाँ पे आपको, tan 30 होगा ये h अपन बेस अपन सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस ये x प्लस 50, ठीक है। तो tan 30 रूट 3 होता है, आपको पता है रूट 3 इक्वल टू होगा आपको ये रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको आएगा एच बाई 50, ठीक है x प्लस 50 ये आएगा आपको वैल्यू। इसी तरह से आप एक्स का वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं निकालना चाहे तो, ठीक है। अभी तो मेरे पास ये बनता है, यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ से, इसमें निकालेंगे हम एक्स और एक्स को लेते हैं, हाँ टेन 31 में रूट 3 होगा, सॉरी टेन 31 में रूट 3 होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके चाहे तो आप निकाल सकते हैं या फिर ऐसे रखिए, ठीक है। तो एच इक्वल टू होगा आपको x प्लस 50 बाई रूट 3, ये वैल्यू आपको निकला है h का वैल्यू। अब इससे नहीं लगा tan 60 निकालते हैं इस ट्रेंगल में, ये ट्रेंगल में लगाते हैं यहाँ पे बी सी ए में ना, तो ट्रेंगल ए बी सी में लगाते हैं, क्या हो देखिए यहाँ पे tan 60 होगा आपको यहाँ पे h बाई x, तो tan 60 क्या होता है रूट 3, और रूट 3 इक्वल टू एच बाय एक्स, तो यहां से मिलेगा एच इक्वल रूट 3 एक्स, ये हो गया। अब आप दोनों को बराबर कर लीजिए, एच का बराबर है, ठीक है। तो यहां पे एच रख लीजिए, ठीक है, रूट 3 एक्स के बराबर। तो क्या होगा यहां पे आप रखने के बाद देखिए क्या होगा, आप रखते हैं पहले से निकला और दूसरे से निकला, एच का वैल्यू दोनों बराबर कर लेते हैं, रूट 3 एक्स इक्वल टू दिस, रूट 3 एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 50, ठीक है। और यहाँ पे रूट के नीचे में भी है, रूट के नीचे भी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, तो 3x माइनस 3x इधर लाइए बराबर 50, एक्स कितना हो गया आपको 2x बराबर हो गया 50, देयरफॉर एक्स वैल्यू कितना 25, तो एक्स का वैल्यू 25 आ रहा, तो ये 25 चलो, ठीक है आगे जाओ। लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है यहाँ पे क्या कि एच कितना होगा रूट 3x, एच का वैल्यू निकालना, तो एच निकालेंगे रूट 3x हो जाएगा ना, तो एच इक्वल टू होगा रूट 3x, तो रूट 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू आपको 25 पुट करेंगे तो ये आपको एच आएगा 25 रूट 3 मीटर, ये हो गया इसका हाइट ऑफ टावर। तो इसका जो हाइट होगा टावर का ये 25 रूट 3 मीटर होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल आपको आएगा, इस टाइप से सवाल आपको समझने हैं, सवाल को करना क्या है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, है ना, उसको आप बनाते जाइए फिगर के साथ साथ, जो जो सवाल में गिवन है वैसे वैसे फिगर बनाते जाइए और सारे एंगल्स को रिनोट करते जाइए, तो आपका ये सारा बन जाएगा इस टाइप से ना, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है।